आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग एक विज्ञापन लेखन करेंगे। विज्ञापन लेखन का प्रश्न है, पुराना दुकान बेचने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक सुंदर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो जैसे कि विज्ञापन लेखन के आंसर में हम लोग करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे विज्ञापन लेखन। इसके बाद हम लोग एक आयताकार वाक्य बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार का आपका वाक्य बनाना है। और यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग दुकान बिकाऊ, क्योंकि दुकान जो है ना बेचना है हम लोगों को। उसके बाद इसके बाएं भाग में हम लोग स्लोगन लिखेंगे, जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा है, हमारा दुकान एकदम खास है, सारा शहर हमारे आसपास है। और इसके बाद इसके जो दायां भाग है उसमें हम लोग एक छोटा सा दुकान का चित्र बना देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक चित्र बनाया हुआ है इस प्रकार से, और इस चित्र में आपको यहाँ पे लिखना है फॉर सेल, और बड़ा आसानी से बना सकते हैं आप। आपको क्या करना है, इस प्रकार का लाइन खींच लेना है बिल्कुल, और यहाँ पे खिड़की बनाना है, यहाँ पे एक रोशनदान, यहाँ पे दो खिड़की, यहाँ पे एक दरवाज़ा बना देना है। उसके बाद इसकी विशेषताएँ देखिए, पहला विशेषता है प्राइम लोकेशन में है, ये सबसे अच्छी जगह पे है। दूसरा है इसमें रेक और सेल्फ जो है ना साथ में मिल रहे हैं। तीसरा, ये दुकान जो है दो मंजिला दुकान है। और उसके बाद चौथा है, यह 1500 स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। फिर नीचे में एक स्लोगन लिखेंगे, क्योंकि स्लोगन जो है ना विज्ञापन का जान होता है। हर दिन बिक्री का इतिहास होगा जब हमारा दुकान आपके पास होगा। यहाँ पे कीमत मात्र 30 लाख में, और नीचे में संपर्क कर देंगे। संपर्क में जो भी व्यक्ति का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं तो काल्पनिक नाम लिख देंगे, जैसे कि इसमें मैंने संजय पटेल लिखा है। संपर्क में संजय पटेल, मोबाइल नंबर 9999222000। तो इस प्रकार से इस विज्ञापन को फिर से एक बार देख लीजिए। अगर ऐसा विज्ञापन आप लिखते हैं तो मान के चलिएगा कि इसमें आपको जो है पूरा नंबर मिलेगा।